हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेंथ। तो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 की एनालिसिस वीडियो में आपका यहां पे स्वागत है। तो फ्रेंड, निफ्टी 50 में हम देखेंगे पोजिशनली क्या इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है और फॉर इंट्राडे पर्पस किन लेवल पे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, जिसकी सेपरेट वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, वो भी जाके चेक कर लेना। फिन निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ और पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एज कंपैरिजन टू, मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अदरवाइज ये भी एक यहाँ पे चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, पर जिस तरीके के चैनल में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वहां पे क्लियर कट एक राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट बना हुआ है। उसका ब्रेक डाउन हुआ तो काफी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वेयर एज इन निफ्टी 50 यहाँ पे एक बुलिश चैनल बोल लीजिए या थोड़ी वीकनेस के साथ ही है, तो इस चैनल में यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट पे देखिए, एक ये बेरिश हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, फिर इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और उसी का ब्रेकडाउन यहाँ पे एट प्रेजेंट ट्रेड हो रहा है, जिसकी फाइनल क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चल जाएगी। ये वाली जोन जो मैंने मार्क यहाँ पे करके रखी है, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन यहाँ पे रहेगी, दैट इज 19460 से लेके 19255 का लेवल यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करेगा। वन डे के चार्ट पे यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे कम दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू बोथ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी यहाँ पे। उसका रीजन फ्रेंड यहाँ पे देखिए, एक तो ये अपनी यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन बोल लीजिए, या यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था और इस लेवल को रिस्पेक्ट बार बार करते हुए फिर एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया था, तो उसी कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे ये आ रही है। तो एक बार में इसका ब्रेकडाउन होना मुश्किल है, अगर एक बार में ये इसे ब्रेक भी करता है तो वहां पे ट्रेड करना भी इसे रिस्की हो जाता है। इसका ब्रेकडाउन तभी हो सकता है जब ये यहाँ पे आके अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर हमें वॉच करना होगा कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमें यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो पर्टिकुलरली फॉर टुमारो हम किन लेवल पे बैंक निफ्टी को निफ्टी 50 को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई इतनी खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख नहीं रही है, क्योंकि नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बनी हुई है, दैट इज कंसोलिडेशन जोन सपोर्ट जोन यहाँ पे बनी हुई है। ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये बन गया है, 19600 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एज वेल एज ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो ये वाली जोन अब बच गई है इसके बीच में, तो इसी के बीच में यहाँ पे कहीं पे ओपन होके ट्रेड करता है तो छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है और वो ट्रैपिंग मोमेंटम भी यहाँ पे रह सकता है। इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग, अगर इस 19600 के आसपास ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। कोई भी शॉर्टिंग स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे निफ्टी 50 को शॉर्ट करके एक मोमेंटम यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन या फिर सपोर्ट जोन के आसपास होगा, तो वहां पे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही हमें डिसाइड करना होगा कि निफ्टी 50 में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें।